ये देखिए दोस्तों, इस रक्षाबंधन हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेड की ये कलरफुल डिलीशियस स्वीट। दोस्तों ये खाने में बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी है। आप इस रक्षाबंधन इस मिठाई को जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस डिलीशियस रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। दोस्तों मैं रुचि आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डिलीशियस टेस्टी कलरफुल ब्रेड की मिठाई रेसिपी। दोस्तों इस रक्षाबंधन इस डिलीशियस मिठाई को बनाने के लिए आपको यूज करना है 250 ग्राम चीनी, 8-10 ब्रेड की स्लाइस, 1 पैकेट अमूल दूध का पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट्स, 1 चम्मच नारियल का पाउडर, 100 ग्राम खोया, 1/4 ग्लास दूध, 2 छोटी इलायची क्रश्ड करके, 1/4 चम्मच रेड फूड कलर। चलिए दोस्तों इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खोए को भून लेते हैं, इसे पतला करना है। ये काम आप दूध से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमने इसको बनाने के लिए खोया यूज किया है ताकि ये जल्दी से बन जाए। एक बड़े बर्तन में 250 ग्राम चीनी और 1 ग्लास पानी डालकर आधा ग्लास और पानी डालते हैं। टोटल 1.5 ग्लास पानी डालकर एक हल्की तार की चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसे शीरा बनाना है। चीनी अच्छी तरीके से घुल चुकी है। डाल दीजिए। इसे ढककर एक साइड रख लेते हैं। अब दोस्तों ब्रेड के रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड के किनारे किनारे को काट के हटा देते हैं। किनारे को हटा देंगे। इस तरीके से सभी पार्ट को हटा देंगे। ब्रेड की स्लाइस किनारे काटने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और इसे मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स इसे अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब इसमें अमूल दूध का पाउडर ऐड करिए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। दूध का पाउडर मिक्स करने के बाद इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा मिलाते हैं। 2 चुटकी ही मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हाथ साफ कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटे की तरह गूंथ लेते हैं। सॉफ्ट डो की तरह इसे गूंथेंगे। ना ज्यादा गीला ना ज्यादा सूखा, ये दूध सोख लेता है, इसलिए हल्का गीला इसे रखेंगे खोए की तरह। दोस्तों इसे सॉफ्ट डो की तरह गूंथ लिया है। अब इसे ढककर 10 मिनट तक रख देते हैं ताकि ये फूल जाए। उसके बाद इससे रसगुल्ला बनाना शुरू करेंगे।
चलिए दोस्तों अब इस कलरफुल मिठाई को गोल्डन ब्राउन तल लेते हैं। फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। दोस्तों ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, चलिए फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें एक एक करके निकाल लीजिए। अब इसे गुनगुने सीरे में डाल देते हैं। ध्यान रहे इसको डालते वक्त सीरा गुनगुना होना चाहिए। अब इसे एक से डेढ़ घंटे तक ढक के रख देते हैं ताकि अच्छी तरीके से सीरा सोख ले। उसके बाद इसको बनाना शुरू करेंगे। खोया ऐड करते हैं, इसे हल्का भून लेंगे। दोस्तों ये काम आप दूध से भी कर सकते हैं, दूध को गाढ़ा करना है बस। हमने खोया लिया है, अब इसमें दूध ऐड करिए। दो बड़ा चम्मच चीनी, छोटी इलायची क्रश की हुई। अब इसे स्मूथ पेस्ट की तरह बना लेंगे। इसमें कोकोनट पाउडर भी डाल देते हैं। इसे रबड़ी की तरह बनाना है ताकि ये इजीली लग जाए। फ्लेम बंद कर दीजिए। हमारे पानी की तरह है, फ्लेम बंद कर दिए। अब इसे दो भाग में बांट लेते हैं। एक भाग में कलर यूज करेंगे। अब इन रसगुल्लों को कलरफुल बनाने के लिए सबसे पहले ये व्हाइट वाला जो पेस्ट बनाकर रखा है इसको लगाते हैं। पहले नीचे से इनको इसमें डुबो लेंगे नारियल में। ये ड्राई मिठाई बना रहे हैं। चारों तरफ अच्छी तरीके से चारों तरफ से व्हाइट खोए से कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर एक थोड़ा सा लाल वाला लगा देते हैं।
और एक किशमिश। देखिए दोस्तों, ये हमारी कलरफुल मिठाई बनकर रेडी है। देख पा रहे हैं, इसको हमने ब्रेड से बनाया है। चलिए इसी तरीके से बाकी सभी को बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ये डिलीशियस ब्रेड का कलरफुल मिठाई बनकर तैयार है। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी है। हम हर सैटरडे और वेडनेसडे को आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। बाय।